प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में कोची के कोचीन शिपयार्ड में आईएनएस विक्रांत को देश की सेवा को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही भारतीय नौसेना को एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आईएनएस विक्रांत पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि केरल के समुद्र तट पर पूरा भारत एक नए सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। केरला के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आईएनएस विक्रांत के आने से भारतीय नौसेना के हिंद महासागर में ताकत और बढ़ गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी खूबियां गिनाई और बताया कि आईएनएस विक्रांत समुद्र पर तैरता एक किला है। आईएनएस विक्रांत का गौरवशाली इतिहास रहा है। 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए आईएसए विक्रांत ने 1971 में पाकिस्तान की जंगी पनडुब्बी गाजी को भारत की ओर बढ़ने से रोक दिया था। 13 साल पहले इसका पूरी तरह से भारत में निर्माण शुरू हुआ था और यूपीए सरकार के दौरान एयर डिफेंस शिप की जगह एयरक्राफ्ट कैरियर का दर्जा दिया गया था। इस मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का यह नया अवतार अमृतकाल की उपलब्धि के साथ साथ हमारे फ्रीडम फाइटर्स और ब्रेव सोल्जर्स को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। नौसेना के वाइस एडमिरल एसएन घोरमोडे का कहना है कि आईएनएस विक्रांत के आने से हिंद प्रशांत और हिंद महासागर में शांति और स्थिरता बढ़ेगी। बहरहाल आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने से भारत, अमेरिका, यूके, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों में शुमार हो गया है जिनके पास स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित करने की क्षमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।